एक चर्चा ये चल रही थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, दूसरी चर्चा ये चल रही थी कि विधानसभा भंग होगा, तीसरी चर्चा आपने ये भी सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं, हमको कोई दूसरा काम करना है, और बिहार का प्रभार भारतीय जनता पार्टी किसे देना चाहती है उस पर चर्चाएं चल रही हैं। दूसरा मंत्रिमंडल का लिस्ट कि नीतीश कुमार के हिसाब से कौन कौन लोग बिहार से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अब से कुछ घंटों के बाद देश भर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी 24 चुनाव की, और इस काउंटिंग से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकातें हो रही हैं और नरेंद्र मोदी से मुलाकात की कई तस्वीरें अब से लगातार आ रही हैं हमारे पास, और इस मुलाकात ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो गए हैं तेजस्वी यादव से चुपके से मुलाकात करने। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गए हैं नरेंद्र मोदी से बिहार विधानसभा भंग कराने की बात करने के लिए। इसके साथ साथ जो हमारे पास इनपुट आ रहा है, जो हमारे पास खबरें मिल रही हैं, दिल्ली में बैठे नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। चर्चा गर्म में आज दिल्ली में बैठे नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, बिहार की राजनीति में ऐसा क्या होने वाला है कि सबकी निगाहें जाकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द आके जो हैं वो टिक गई हैं। चर्चा गर्म में आज हमारे साथ बाबा हैं, इनसे चर्चाएं होंगी कि दिल्ली में नीतीश कुमार ने अपने जो बिहार जदयू के जितने सारे मंत्री हैं उनके लिस्ट लेकर पहुंचे हुए हैं। जदयू नहीं बल्कि बिहार के तमाम एनडीए गठबंधन के घटक दलों के भी मंत्रिमंडल के लिस्ट नीतीश कुमार लेकर पहुंचे हैं। किस पर मुहर लगेगी, कौन बनेगा बिहार से केंद्र में मंत्री, चलिए बाबा से जुड़ते हैं, पूछते हैं कि क्या वाकई में मंत्रियों की लिस्ट नीतीश कुमार लेकर पहुंचे हैं। देखिए रत्नेश, जो छन करके खबरें आ रही हैं और राजनीतिक गलियारे से, खास करके अगर बात की जाए जनता दल यूनाइटेड की, तो उसके गलियारे से जो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो दिल्ली यात्रा किए हैं तो एक पंथ दो काज करने गए हैं। पहली तो ये कि वो जांचने गए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का मूड क्या है। मुलाकात हो गई है जो हम लोग खबर कर रहे हैं। इस मुलाकात के साथ साथ कई ऐसी बातें जो उनके साथ लोग मिलने गए थे उन लोगों के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसको लेकर के आने वाला जो 18वीं लोकसभा होगा, जिसका गठन होगा, जिसका मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसको लेकर के चर्चाएं हैं। हालांकि इसके पहले आपने देखा होगा कि कई चर्चाएं चल रही थी। एक चर्चा ये चल रही थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, दूसरी चर्चा ये चल रही थी कि विधानसभा भंग होगा, तीसरी चर्चा आपने ये भी सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं, हमको कोई दूसरा काम करना है, तो क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर राज्यपाल बनेंगे, क्या करेंगे, या फिर एक कहा जा रहा है कि ब्रेक लेना चाहते हैं नीतीश कुमार। इन सारी बातों को आप दरकिनार कर दीजिए। नीतीश कुमार ने अब तक नॉन स्टॉप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 18 साल काम किया है, कहीं भी कोई ब्रेक उन्होंने नहीं लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 2019 में जिस बात का कमी रह गया था 17वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद, वो कमी यही था कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। बाद में मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो उसके चलते उनके पार्टी में कितना बवेला मचा ये भी सबको पता है। इसके साथ साथ संबंध कितने अच्छे और बुरे हुए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के, ये भी सबने देखा। तो अब इन सारी बातों को पहले से ही सुलझा लेने के मूड में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। कोई विवाद मतलब बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि 2025 का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में है कि 2025 का चुनाव है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्रिमंडल गठन होता है, मंत्रिमंडल का रिशफल होता है, ये सभी प्रक्रियाएं चलती हैं 5 साल तक। लेकिन जो पहला मंत्रिमंडल गठन होता है चुनाव के बाद वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसमें कई समीकरण गढ़ने की कोशिश की जाती है, वोटरों का रुझान होता है, जातीय समीकरण साधे जाते हैं, और इन सब के आधार पर अगर बिहार की लिस्ट को हम देखते हैं तो 2025 के चुनाव के मद्देनज़र इस लिस्ट को तैयार किया गया है। ये लिस्ट सिर्फ और सिर्फ, चूंकि देखिए जब भी मंत्रिमंडल का गठन होगा तो चलिए विशेषाधिकार तो प्रधानमंत्री का होता है जी। जब जीत करके आएंगे तो नीतीश कुमार भी उस मीटिंग में शामिल होंगे, अगर नहीं जीत के आते हैं तब भी शामिल होंगे। दो बातें सामने आ रही जो एग्जिट पोल के हिसाब से जो चर्चाएं तेज हो गई हैं और जो एग्जिट पोल बता रहा है उसमें ऐसा कहीं से दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार हम बना रहे हैं,
लेकिन नरेंद्र मोदी जितना एक्शन में आ गए हैं वो साफ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को गुडफेथ में लेकर के कोई फैसला करना चाहती है, यानी कि नीतीश कुमार इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में भी साथ में होंगे जी। अगर सरकार बनती है एनडीए की तो इसके साथ साथ और भी कई चर्चाएं हैं कि क्या बिहार का सीएम का चेहरा बदलेगा, क्या बिहार में डिप्टी सीएम और बढ़ाए जाएंगे, क्या नीतीश कुमार ब्रेक लेने जा रहे हैं तो किसके हाथ में पावर देंगे। सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। अब ये सब कुछ निर्भर करता है कि रिजल्ट जो आता है बिहार का 40 सीटों का उसमें क्या रिजल्ट होता है, किस तरह का उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दूसरी तरफ एक ऐसा लिस्ट आया है जिस लिस्ट में मात्र 15 सीट दिखाया जा रहा है एनडीए को। तो खैर इन लिस्ट की बात नहीं करते हैं, जो जनरल परसेप्शन है और जितनी भी एजेंसियों ने किया है उसने किसी ने भी 300 से कम सीट नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारे समझ से ये होना चाहिए कि सरकार जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है एनडीए की। अब नीतीश कुमार गए काहे के लिए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो नीतीश कुमार गए हैं तो सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार वहाँ जो चर्चा है वो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है, दो चर्चाएं इसमें है। एक तो नीतीश कुमार स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं जी। और बिहार का प्रभार भारतीय जनता पार्टी किसे देना चाहती है उस पर चर्चाएं चल रही हैं। दूसरा मंत्रिमंडल का लिस्ट कि नीतीश कुमार के हिसाब से कौन कौन लोग बिहार से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं जिससे कि सामंजस्य बिठाने में आसानी होगी, सुविधा होगी। तो इसमें सबसे पहला नाम जो पहले चरण में चुनाव हुआ था उसमें से दो नाम मेरे मन में आता है जिस पर चर्चाएं हो रही हैं भीतरखाने में और ये नाम उस लिस्ट का हिस्सा है। पहला नाम जीतन राम मांझी का है। अच्छा। जो दलित समाज से आते हैं और जीतन राम मांझी के दलित समाज में आने से एक बात तो होता है कि वो दलित समाज वाला जो कोरम है वो पूरा होता है। जीतन राम मांझी एकमात्र सीट मिला था और ये जीतन राम मांझी कह भी रहे थे और लगता भी था कि एक ही सीट मिला है तो निश्चित रूप से कोई आगे का भी हुआ होगा। तो जीतन राम मांझी उसमें लग रहा है कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा मतलब बनेगा। जीतन राम मांझी की जो शिकायतें थी वो नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनाकर वो दूर करेंगे जी, क्योंकि विधानसभा में काफी बेइज्जती भी नीतीश कुमार ने किया था जीतन राम मांझी का, काफी नाराज भी हुए। बहुत सारी बातें हुई थी। एक तो वो, दूसरा आपको बता दें कि एक सीट पर मान नहीं रहे थे तो उसके लिए उनको मंत्रिमंडल में बात की जा रही थी। इससे पहले आपने ये भी चर्चा सुना होगा कि उनके बेटा चुनाव लड़ेंगे और वो खुद जो है क्या करेंगे, ये भी सबको पता था कि राज्यपाल बनेंगे, लेकिन सारी संभावनाओं को समाप्त करते हुए जीतन राम मांझी को उम्मीदवार बनाया गया और वो चुनाव जीत रहे हैं ऐसा उनका मानना है और उन्होंने अपने लोगों से कहा भी है कि वो जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। तो एक तो नाम ये है। दूसरा इसी चरण में एक विवेक ठाकुर का नाम है जी। विवेक ठाकुर को अचानक से दिया गया है और सवर्णों में अगर देखा जाए तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, इनमें सबसे ज़्यादा संख्या राजपूतों की है। तो एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी और भूमिहार जो नाराज चल रहे हैं यत्र तत्र, जैसे आपने देखा होगा ये नीतीश कुमार का भी आंकड़ा है, जैसे आपने जहानाबाद में देखा कि भूमिहार नाराज चल रहे थे, उनको साधने की कोशिश, नवादा भूमिहारों का गढ़ है वहाँ साधने की कोशिश। भूमिहारों की एक अच्छी खासी जनसंख्या है जो वोटों को इन्फ्लुएंस करती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सबसे ज़्यादा जरूरी भी है। तो ऐसे में नवादा से, चूंकि इस बार संभावना लग रहा है गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे अगर आप आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण में तो दूसरे चरण में आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है लेकिन एक संतोष कुशवाहा हैं जिनको मंत्री बनाने की बात की जा सकती है अगर वो तीसरी बार जीत करके आ जाते हैं तो। लेकिन यहाँ मामला कैसा फंसा हुआ है सब कोई जानता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रदीप कुमार का नाम आप लगातार सुन रहे होंगे, गंगेई समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज से ही आते हैं जी। अगर ये वहाँ से जीत करके अररिया से आ जाते हैं तो ये मान के चलिए कि पत्थर पर डूब खिलाने जैसा है। और दूसरी बार अगर जीत के आते हैं, पहली बार तो वो जीत ही चुके हैं 2019 में, अगर दूसरी बार 2024 में जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप से इनको कोई ना कोई इनाम जरूर देगी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, क्योंकि इनको अध्यक्ष बनाने की भी बात चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में प्रदीप कुमार का नाम एक बहुत तेजी से चल रहा है आगे। अगर बात करें तो ब्राह्मणों की तो दो ब्राह्मणों में दूसरे चरण में एक और नाम है दुलालचंद गोस्वामी का, क्या वो मंत्री बन सकते हैं? निश्चित रूप से दुलालचंद गोस्वामी का नाम है तो दुलालचंद गोस्वामी भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और जदयू से हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका भी नाम आ सकता है, इनका भी नाम उस लिस्ट में शामिल है। इसमें से किसका नाम फाइनल होगा वो तो प्रधानमंत्री करेंगे जी जी जी, लेकिन दुलालचंद गोस्वामी ने भी अपने क्षेत्र में जो काम किया है और जितना संतुष्ट उनसे भारतीय जनता पार्टी का जो कोर टीम है वो है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें या फिर आप जेपी नड्डा की बात कर लें, ये सभी लोग या फिर नितिन गडकरी की, नितिन गडकरी भी काफी कुछ, नितिन गडकरी के दुलरुआ कहे जाते हैं, दुलरुआ कहे जाते हैं, क्योंकि जो सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया है पूरा बंगाल से नेपाल और नेपाल से आप झारखंड तक चले जाइए
तो वहां से सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया, उस जगह पर हम घूम के भी आए। जी, जी। सबसे ज्यादा अगर सड़कों का जाल है तो कटिहार के क्षेत्रों में है, और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि झारखंड से बिहार को जोड़ने वाला एक बड़ा पुल जो है वो बनवा रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज से आने के चलते इनका भी नाम दुलालचंद गोस्वामी का हो सकता है। बिहार में भी मंत्री रह चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, इनको अनुभव रहा है, अच्छा खासा अनुभव रहा है। ऐसे में अगर ब्राह्मणों की बात करें तो दो नाम सामने आ रहे हैं, गोपाल जी ठाकुर और मिथिलेश तिवारी। अब इन दोनों में से किसे मौका मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। मिथिलेश तिवारी नाम है जी, मिथिलेश तिवारी ब्राह्मणों को अगर प्रतिनिधित्व देना जरूरी है क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी आप समझ सकते हैं कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी से रही है और आने वाले विधानसभा में इस नाराजगी को दूर करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का व्यवहार करेगी कि दूसरा खेमा ब्राह्मणों को दूर कर रहा है अपने से, तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों को यहाँ पोषण देने की जरूरत है। और ऐसी स्थिति में गोपाल जी ठाकुर और मिथिलेश तिवारी का नाम सामने आ रहा है। अगर बात करें तो आपने सुना होगा कि पिछड़ा समाज में, तो पिछड़ा समाज में नित्यानंद राय का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन नित्यानंद राय को जो नरेंद्र माफ कीजिएगा अमित शाह ने कहा है कि इनको इस बार और ज्यादा जिम्मेवारी देंगे, बड़ी जिम्मेवारी देंगे, तो हो सकता है कि इनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिले और नित्यानंद राय मंत्रिमंडल का तो हिस्सा रहेंगे ही रहेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की पिछड़ा समाज से, तो पिछड़ा समाज से उपेंद्र कुशवाहा का भी स्थान लगभग क्या मतलब उनका पक्का है और ये मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। इसके साथ साथ एक संजय जायसवाल का नाम सामने आ रहा है क्योंकि कई बार से, चार बार से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। बिहार में उन्होंने अध्यक्ष बन करके एक चुनाव जो है वो जितवाया है, सरकार बनवाई है जी। अब इनको इनाम मिलने की जरूरत है और उस इनाम मिलने में संजय जायसवाल का भी नाम है। बाबा मुजफ्फरपुर की एक सीट है जहां पर राजभूषण निषाद को मुझे लगता है कि मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, प्रायोरिटी मिलेगा निषादों के लिए। देखिए उनको टिकट मिल गया ये प्रायोरिटी बहुत बड़ी है क्योंकि राजभूषण निषाद अभी हाल फिलहाल में भाजपा के सदस्य बने हैं, आपको भी मालूम होगा। जी, जी, जी। इसके साथ साथ इस समाज के कई लोगों को कई कुछ बहुत कुछ मिला है बिहार में। राजभूषण निषाद की अगर बात करें तो राजभूषण निषाद को जो टिकट मिल गया है ये उनकी प्रायोरिटी सबसे बड़ी है, कारण कि बहुत कम समय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उन्हें एक मौका मिल गया है जहां वो बड़ा कहा जाए तो रन में खड़े हैं। लेकिन जहां तक निषाद समाज की बात है, मल्लाह समाज की बात है, तो मल्लाह समाज में हरीश साहनी को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि मल्लाह समाज को आने वाले समय में क्या कुछ मिलने वाला है, उस पर जी विशेष फोकस रहेगा। बात करते हैं हम तो संजय जायसवाल की बात हमने कर ही लिया। अगर इसके बाद अब अगर आगे आप बढ़ते हैं तो राजपूत समाज में जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल का इस बार नाम, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जी, जी। इनका नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और संभावना है कि इनको इस बार, चूंकि तीसरी बार इनका भी हैट्रिक हो जाएगा, तो इनको भी एक मौका दिया जाएगा क्योंकि बिहार में भी ये मंत्री रह चुके हैं और राजपूत समाज को एक प्रतिनिधित्व देने के लिए और बाकी के सवर्णों को जो है वो ठीक करने के लिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मौका दिया जा सकता है। बात अगर करें दलित समाज की तो एक तो हमने बता दिया जीतन राम मांझी होंगे, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो नजर आ रहा है मुझे वो चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से, उन्हें 3 सीटें मिली थी रिजर्व से, 6 में से 3 सीट उन्हें मिली थी, तो संभावना ये बताई जा रही है कि 2 उनके अगर जीत करके आते हैं वो 5ों सीट तो उनको 2 मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। एक तो चिराग पासवान को ऑटोमेटिक मिल रहा है, खुद रहेंगे, और दूसरा जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शांभवी चौधरी का नाम लिया है तो एक संभावना बन रही है कि सबसे युवा जीत करके गई हैं, महिला भी हैं और साथ साथ तेज तर्रार भी हैं, उनको प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी की तरह माना है जी। तो ये सारी बातें घुमा फिरा करके ऐसा लगता है कि इस प्रयोग को भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, शांभवी चौधरी को मंत्रिमंडल का हिस्सा बना सकते हैं। महिलाओं के आरक्षण की भी तो बात करनी है, बिल्कुल भी तो रखना है सदन, बिल्कुल में। बिल्कुल सदन में ही ये सब कुछ हुआ है तो महिलाओं को भाई प्रायोरिटी तो देंगे नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से। इसके अलावे अगर भूमिहार समाज की बात करें तो भूमिहार समाज में कई नाम हमारे सामने आते हैं। भूमिहार समाज में एक तो विवेक ठाकुर का नाम हमने बताया, दूसरा जो नाम आ रहा है वो ललन सिंह का आ रहा है। ललन सिंह भूमिहार समाज से कहीं ना कहीं इस बार शामिल किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल में, क्योंकि आपको पता है कि इसी के चलते पूरा जदयू जो है उथल पुथल मचा था। ललन सिंह के जगह पर आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर के आपको पता है कि क्या कुछ हुआ था। एक नाम राजपूतों में और भी शामिल हो रहा है जिनको टिकट दे करके नवाजा गया है, जिनका टिकट कटने की बात चल रही थी, वो एक राजपूत समाज से और भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जिसमें से राजीव प्रताप रूढ़ी हों या फिर और
किसी को भी एक राजपूत समाज से दिया जा सकता है। मुझे नहीं लगता राजीव प्रताप रूढ़ी पर उतना भरोसा किया जाए, क्योंकि कौशल विकास योजना की जो योजना थी सारी उनको दी गई थी, लेकिन वो फेल हो गया था, जिस वजह से ये कहा जा रहा था कि राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट कट भी सकता है। मतलब नरेंद्र मोदी के गुड फेथ में अब रूढ़ी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए, अगर उनके गुड फेथ में नहीं होते तो उनको टिकट नहीं मिलता। आप जो बातें कह रहे हैं वो निश्चित रूप से एक फेज था, जिस फेज में राजीव प्रताप रूढ़ी के चलते काफी एम्बरेसमेंट फील किया था केंद्र की सरकार ने। इन सारी बातों को लेकर के तो सबसे महत्वपूर्ण नाम एक और नाम है राधा मोहन सिंह। लेकिन राधा मोहन सिंह का उम्र इतना हो गया है कि उनको उम्र के चलते संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके जगह पर राजीव प्रताप, चूंकि प्रतिनिधित्व आपको देना है, इसमें आप समझ लीजिए कि एक रविशंकर प्रसाद का भी नाम आ रहा है, जी रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। यानी कि आप देखिए 2025 के चुनाव को यदि बहुत गंभीरता से आप देखते हैं तो आपको देखते हुए मिलेगा कि बिहार से मोदी मंत्रिमंडल में पहला जो उनका मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें से बिहार से सभी जातियों का समीकरण बैठाते हुए अति पिछड़ा समाज दलित और सवर्ण, इन सभी समाज से, चूंकि मुस्लिम संभावना कम है कि यहाँ से कोई बने, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, ना तो कोई राज्यसभा में नजर आ रहा है ना कहीं और नजर आ रहा है। तो अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार में 2025 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, सभी समुदाय को, सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, और उस प्रतिनिधित्व में बिहार से कम 7 से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इससे पहले भी आपने 6 तक देखा है कि बनाए गए थे, लेकिन इस बार 7 से 9 तक की बातें चल रही है कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस वजह से क्योंकि बिहार में 2025 का चुनाव बिल्कुल, और जैसे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने किया है वो तो नजर ही आ रहा है ना उन्होंने। और एक चीज और कहना चाहेंगे बाबा, कि जिस तरीके से ये चर्चाएं चल रही है कि नरेंद्र मोदी से जब नीतीश कुमार की मुलाकात संपन्न हुई है तो अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देके बीजेपी के किसी व्यक्ति को वहां पर सीएम का कुर्सी सौंपेंगे, सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो बीजेपी को अब अपना सरकार बिहार में स्टेबल करना है, और इस वजह से शायद मंत्रिमंडल में जो जातिवार सूची जैसा कि आपने बताया उस अनुसार मोदी मंत्रिमंडल में ये सभी शामिल होंगे, और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्न आउट होगा 2025 के चुनाव में, ऐसा ही संभावना है ना बाबा। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है अब जिम्मेवारी मुक्त होंगे, लेकिन नीतीश कुमार अंतिम समय में ये पूरा जितना भी आपको नजर आ रहा है ये सारे समीकरणों के साथ सब कुछ समझा करके बुझा करके और सब कुछ लागू करने के बाद वो अपने आप को अलग करेंगे। लेकिन इसकी संभावनाएं तो अभी तक बहुत ज्यादा प्रबल नहीं है, लेकिन जो संभावनाएं हैं कि वो जो मंत्रिमंडल का लिस्ट है बिहार में जितनी भी सीट जीत करके आए, ये जितने लोगों का नाम हमने बताया ये सब लगभग जीतने वालों की श्रेणी में हैं, चाहे हमारा भी सर्वे हो या फिर बाकी के जितने भी सर्वे एजेंसियां हैं सबने इन लोगों को जीतता हुआ दिखाया है जी। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर फैसला क्या लेती है। इंतजार कीजिए, 18 से 19 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि पलड़ा किधर झुक रहा है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या होगी और नाम उसकी लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। चलिए, चर्चा गरम में आपने सुना नीतीश कुमार और मोदी के मुलाकात के बाद क्या व्यवस्था बन रहा है बिहार में। 7 से 8 मंत्रिमंडल गठन जब होगा तो बिहार से ये सभी मंत्रियों की लिस्ट जो है वो नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को सौंप दी है। बिहार में बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, यानी कि अब से कुछ घंटे बाद रिजल्ट आएंगे और उस पर भी हम तबातोड़ आपको खबरें बताते रहेंगे। फिलहाल चर्चा गरम में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।